हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है उनको एक शॉर्ट समरी दे देते हैं कि हमने शेयर एंड डिविडेंड्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने शेयर्स पढ़े, शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो हम शेयर्स जिस रेट पे हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारी मार्केट वैल्यू है, जो रेट पे कंपनी ने स्टार्टिंग में अपनी वैल्यू रखी थी शेयर्स की वो नॉमिनल वैल्यू होती है, और इसके तीन कंडीशन दिए हुए थे, एट पार, अबव पार, बिलो पार। देखिए, अगर आपको याद नहीं है, आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एट पार का मतलब होता है कि जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो जाती है। और एक सेकेंड टर्म था अबव पार और एट अ प्रीमियम। मीन्स इसमें क्या होता है कि मार्केट वैल्यू हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। एक थर्ड पार्ट था इसमें बिलो पार, जिसमें क्या होता है, हमें डिस्काउंट रेट पे शेयर मिलते हैं, उसमें मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाती है। इसका मतलब कि वो कंपनी का, जिस कंपनी का शेयर है उसका शेयर का दाम कम हो गया है और कंपनी थोड़ा लॉस में जा रही है। हमने पढ़ा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड क्या होता है, द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड अ डिविडेंड। ये बहुत ही आसान है, आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और डिविडेंड हमेशा एक परसेंटेज वैल्यू में डिस्क्राइब किया जाता है, और कंपनी अपना डिविडेंड का वैल्यू खुद ही देती है कि उसको कितना परसेंट शेयर होल्डर को कमीशन देना है। और उसमें डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा फिक्स्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है जो कंपनी ने अपनी ओरिजिनल फेस वैल्यू रखी थी। इसमें हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। अगर आपको याद नहीं है, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप इस समय जल्दी से समझ सकते हैं कि जो हमने कंपनी शेयर खरीदने में जो हमने पैसे लगाए हैं वो कितने लगाए हैं। उसके बहुत ईजी फॉर्मूले हैं, जैसे हमने कितना इन्वेस्ट किया मनी, अगर हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स पता है, उस शेयर की मार्केट वैल्यू पता है, तो हम सिंपली नंबर ऑफ़ शेयर्स बॉट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमने सम इन्वेस्ट किया है। अगर हमें पता है कि हमने कितना पैसा लगा दिया है और एक शेयर की वैल्यू पता है, तो हमने कितना शेयर खरीदा, जैसे आपने मान लीजिए 200 रुपये के शेयर खरीद लिया और एक शेयर की वैल्यू है 20 रुपीज़, तो आपने कितना शेयर खरीदा, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 200/20, तो आपका 10 शेयर्स आपने खरीदा है। और इसको नंबर ऑफ शेयर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, टोटल डिविडेंड फ्रॉम द शेयर ऑन डिविडेंड ऑन वन शेयर। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। तो ये आपको क्विकली रिकॉल करा रहे हैं कि क्या क्या आप पढ़ चुके हैं। एक थर्ड फार्मूला होता है, टोटल डिविडेंड अर्नड इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। मैं अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता है, आपको रेट ऑफ़ डिविडेंड पता है कि कंपनी कितना रेट ऑफ़ डिविडेंड दे रही है, और उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, तो हम टोटल डिविडेंड हमको कितना कंपनी ने दिया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चौथा फार्मूला होता है, परसेंटेज रिटर्न इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट। और इसको निकालने के लिए देखते हैं, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितना हमको रिटर्न मिल रहा है, तो सीधे इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी इनकम हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और उस पर 100% आपका लग जाता है। फिर फॉर अ शेयर होल्डर, इनकम इज इक्वल टू रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो ये आपके सिंपल 5 फॉर्मूले हैं जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होते हैं। फिर ये इसके बाद हमने थर्ड ए एक्सरसाइज की थी, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आपके क्वेरी को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। अब इसका हम एक्सरसाइज 3B लगाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, मैन बाय 75 रुपीज़ 100 शेयर पेइंग 9% डिविडेंड। ही बाय शेयर एट अ प्राइस सच अ प्राइस दैट ही गेट्स 12% ऑफ हिज मनी। एट वॉट प्राइस डिड ही बाय द शेयर। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उसने कितने प्राइस पे शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो इसमें चलिए हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं यहाँ पे 75, वैल्यू दी हुई है, वैल्यू ऑफ शेयर वो है ₹100। यहाँ पे हमें रेट ऑफ डिविडेंड भी दे के रखा है, 9% का रेट ऑफ डिविडेंड है, 9%।
अब यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू हमें पता करनी है कि कितनी है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया है हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें फाइंड आउट करें पहले मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, लेट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर एक्स, यहाँ पे हमने एक अमाउंट मान लिया कि एक्स है मार्केट वैल्यू, तो हमको एक फॉर्मूला पता है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो हम सीधे इसको फॉर्मूले में रख देंगे, 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9% ऑफ एनबी, एनबी क्या है 100 रुपीज, 12 इसको सॉल्व करते हैं तो 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 9/100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, तो सॉल्व करेंगे 12x/100 इक्वल टू 9x इक्वल टू 900/12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डिवीजन करते हैं इसको 12/7 = 84, 6 = 0, 12/5 = 60, कैलकुलेट करने पे x की वैल्यू आई 75 की। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू पूछ रहा था कि कितने, एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज रुपीज 75 एंड दिस इज द आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। बाय परचेजिंग ₹25 गैस शेयर फॉर ₹40 ईच, अ मैन गेट 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, व्हाट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, कितना इंटरेस्ट रेट कंपनी दे रही है, व्हाट इज हिज डिविडेंड इफ ही बायस 60 शेयर्स, और अगर वो 60 शेयर्स खरीदता है तो कंपनी उसको कितना डिविडेंड देगी यहाँ पे। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या क्या पता है इसमें। यहाँ पे हमें फेस वैल्यू पता है, हमें मार्केट वैल्यू पता है, हमें प्रॉफिट भी दिया है कि 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम और यहाँ पे लेकिन हमें रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया है कि रेट ऑफ कितने परसेंटेज पे वो हमें कंपनी पैसा देगी डिविडेंड के रूप में। तो पहले हम लिख लें कि हमें क्या क्या मिला है। तो हमारे पास है नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू ₹25, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ₹40, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है प्रॉफिट इक्वल टू 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने जितने रुपए उसने लगाए हैं उस पर 4% का प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें पहले देखना है कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्स परसेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीधे वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा है 4% है, 4% ऑफ मार्केट वैल्यू है ₹40, 40 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड हमने अज्यूम किया हुआ है एक्स परसेंट है, तो एक्स परसेंट इन ऑफ किसका है नॉमिनल वैल्यू का, नॉमिनल वैल्यू है 25, तो सीधे सॉल्व करते हैं इसको 4/100
इंटू 40 इज इक्वल टू एक्स बाय 100 इंटू 25, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 4 इंटू 40 इज इक्वल टू 25 एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 40 बाय 25। इसको सॉल्व करेंगे, तो 160 बाय 20 इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने पे, सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 6.4। तो यहाँ से हमें रेट ऑफ डिविडेंड आपको पता चल गया, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 6.4%। अब ये हमें पता चल गया। अब व्हाट इज़ द डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे फेस वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स इक्वल टू 60 इंटू 25। इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे हमारा आएगा 1500 रुपीज़, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आप खुद भी कैलकुलेट करिएगा, सीधे कॉपी मत करिएगा। तो डिविडेंड ऑन रुपीज़ 1500, तो कितना उसने कितना इन्वेस्ट किया था उस पर हमें डिविडेंड निकालना है। यहाँ पे रुपीज़ 1500 इंटू 6.4 का हमने रेट ऑफ डिविडेंड निकाला है बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे 1500 इंटू 64 बाय 1000, एक जीरो बढ़ गया, पॉइंट हटाया था। इसको कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 96 रुपीज़। तो हमारा आंसर आ गया, उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, ही गेट रुपीज़ 96 इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड इफ ही बाय 60 शेयर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है 100 रुपीज शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल इन द मार्केट एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 20, मतलब 20 रुपए उस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, जो उसका नॉमिनल रेट है उससे 20 रुपए ज्यादा पे मिल रही है, शेयर मिल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी व्हेन अ मैन्स रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15%। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमें फेस वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू हमें मिलेगी शेयर की एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 20 है, तो 100 प्लस 20 तो मार्केट वैल्यू हो जाएगी 120। यहाँ पे टोटल डिविडेंड दिया हुआ है 15% ऑन द इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दिया है। अब वही हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। तो पहले हम लोग लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले हमें पता है नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज रुपीज 100, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर 100 प्लस 20 इक्वल टू रुपीज़ 120। तो टोटल डिविडेंड इक्वल टू 15% ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहीं पे वीडियो रोक के कमेंट करिए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, एज्यूम रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्स परसेंट। हमें फॉर्मूला देखिए, हमें पता है यही फॉर्मूला अभी यूज हो रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इंटू मार्केट वैल्यू। सिंपल इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे,
रेट ऑफ डिविडेंड एक्स परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट 15% ऑफ मार्केट वैल्यू 120। तो सॉल्व करते हैं, x बाई 100 इंटू 100 इक्वल टू 15/100 इंटू 120। सॉल्व करने पे आएगा, सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 15 इंटू 12/10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 180/10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 18। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड हमें मिल रहा है 18% का, और यही क्वेश्चन पूछ रहा था और यही है मेरा आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर कोटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एट अ डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, कंपनी को घाटा हुआ है, वो अपने शेयर कम दाम में निकाल रहा है 10% कम दाम पे। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज शेयर्स बीइंग 20%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे फेस वैल्यू दी हुई है, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक ही चीज़ है, चाहे फेस वैल्यू बोलिए चाहे नॉमिनल वैल्यू बोलिए, वो है 50 रुपीज़। मार्केट वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि कितना है, 10% डिस्काउंट है तो हम माइनस कर देंगे उसमें से 50 रुपीज़ में 10%। और हमारा रेट ऑफ डिविजन हमें डिविडेंड एज्यूम करना पड़ेगा, वो दिया नहीं है कितना है, और प्रॉफिट परसेंटेज 20% दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 50, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्वल टू 50 माइनस 50 इंटू 10%। 10% के डिस्काउंट पे दे रहा है ना, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5, ये आएगा 45। तो मार्केट वैल्यू हो गई ऑफ ईच शेयर ₹45। एज्यूम रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू एक्स परसेंट, हमको पता है कि रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना भी है रेट ऑफ डिविडेंड, सीधे फार्मूले में पुट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को, हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है। x परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज हमारा दिया हुआ है 20% ऑफ मार्केट वैल्यू। x परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है 50, 20% ऑफ 45। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो x बाय 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 20/100 इंटू 45। ये कैंसिल किया, x इक्वल टू आएगा 20 इंटू 45 अपॉन 50। सॉल्व करेंगे 9, 10, कैंसिल किया आया 18। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड की वैल्यू निकली 18। तो रेट डिविडेंड हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में रहता है, फिर उसको परसेंटेज में लिखेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 80% एंड दिस इज द आंसर। तो चलिए आपको समझ में आा रहा होगा, हम लोग लाइन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो
को देखते हैं कि क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है, ए कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स इफ अ मैन रिसीव्स रुपीज 2840 एज हिज डिविडेंड, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया है, उस रेट ऑफ डिविडेंड पे कितना हमें डिविडेंड मिला है उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, दो चीज़ दी हुई है। तो हमें यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू नहीं दी है और वही चीज़ पूछ रहे हैं कि नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की कितनी थी। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें दी है वो हम लोग लिखें। तो रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 8% टोटल डिविडेंड रिसीव्ड इक्वल टू रुपीज 2840। क्या नहीं पता है, नॉमिनल वैल्यू हमें पता करनी है कि कितनी है, ठीक है। और तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, हमको पता है कि टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू का फॉर्मूला, टोटल डिविडेंड इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है, 8% एक्स हमने एज्यूम कर लिया है कि उसकी नॉमिनल वैल्यू है, यहाँ लिखना भूल गए हैं, हमने यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू एक्स। तो 8% ऑफ एक्स इक्वल टू टोटल डिविडेंड वो दिया हुआ है 2840। तो सॉल्व करने पे 8/100 इंटू एक्स इक्वल टू 2040 एक्स इक्वल टू आएगा 2840 इंटू 100/8, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पे आएगा, डिवाइड करेंगे 8 3 24, 4 बचेगा 8 5 40, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमारा आता है 35,500 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर इज रुपीज 35,500, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको, बहुत इजी था, 8% ऑफ एक्स इक्वल टू 2840 रुपीज़, सीधे कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दिया, तो हमारा आएगा 35,500। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन रुपीज 100 शेयर सेलिंग एट 110 टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज 1680 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 12%, ठीक है। समझ में आया आपको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, एनुअल इनकम, रेट ऑफ डिविडेंड, इतनी चार चीज तो हमें दी हुई है, लेकिन हमें नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्ट कितना हुआ है वो नहीं दिया है कि कितना शेयर्स में इन्वेस्ट किया है पैसा। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट लगा है हमारा इसको खरीदने में। पहले क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पहले हम लोग नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर इक्वल टू रुपीज 100, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर रुपीज 110, टोटल एनुअल इनकम भी दिया है, टोटल एनुअल इनकम रुपीज 1680
रेट ऑफ डिविडेंड भी हमको पता है 12%, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम टोटल अमाउंट ऑफ शेयर इज एक्स, ठीक है। तो हमें जो डिविडेंड मिल रहा है वो टोटल अमाउंट पे ही मिलता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा अमाउंट था। तो इसका क्या मतलब है, एक्स इंटू 12% इज इक्वल टू 1600 टोटल एनुअल इनकम। तो एक्स इंटू 12/100 इक्वल टू 1680, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 16800/12। इसको सॉल्व करेंगे, 12 चलिए सिंपल डिवाइड कर देते हैं, 12 6 में से 2 गया 4, 48 है, 12 4 48 0 0 0। तो हमारा एक्स का अमाउंट आया 14,000। तो टोटल है, इसलिए हमारा टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कितना हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स इक्वल टू रुपीज 14,000, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ये हमें नॉमिनल वैल्यू पे मिला है, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें देखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज 14 इंटू हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 14000 यहीं से कैंसिल हो जाएगा, तो ये नहीं है। इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 15,400। तो टोटल क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमारा, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, मैन ने कितना इन्वेस्ट किया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 15,400, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, एक कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 11.2% टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या हुआ, 11.2। नाउ इफ इट्स रुपीज 60 शेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, उसने 25% के प्रीमियम पे शेयर बेचा है, हाउ मच शुड राकेश इन्वेस्ट इन बाइंग द शेयर ऑफ हिज कंपनी इन ऑर्डर टू हैव एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज 1680 रुपीज। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू दी है 60 रुपीज, मार्केट वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसको 25% के प्रॉफिट पे मिल रहा है, तो सीधे कैलकुलेट कर लेंगे उसमें नॉमिनल वैल्यू पे, ठीक है। और हमें रेट ऑफ डिविडेंड पता है, एनुअल इनकम पता है, यहाँ पे हमें फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टोटल नहीं पता है कितनी है, ठीक है। तो हम लोग चलिए कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है नॉमिनल नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर रुपीज मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करते हैं, 60 + 60 × 25% 25% के प्रीमियम पे बेच रहे हैं ना, तो 60 + 60 × 25 बाय
100, 25 crore 100, इसको फिर तो आएगा हमारा 50, तो 60 + 15 इज इक्वल टू 75 हो गया, मार्केट वैल्यू हो गई। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 11.2%, एनुअल इनकम है इक्वल टू 1680 rupees। ठीक है, तो अज्यूम हम लोग अज्यूम कर रहे हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल शेयर की नॉमिनल वैल्यू एफ। तो सिंपल वही फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स इंटू 11.2%। कैलकुलेट कर देते हैं, 1680 rupees, 11.2 upon 100 to x is equal to 1680, cancel करेंगे इधर, 112x is equal to 168000, x is equal to 168000 by 112। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन करना पड़ेगा इसका, कैलकुलेट करके बता रही हूँ, आएगा इसका 15,000 आएगा, ये कैलकुलेट करने पे आपका x की वैल्यू आएगी। तो जो हमने अज्यूम किया था नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हमारी यहाँ पे आ जाती है 15,000। तो हमारा इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है कि कितना इन्वेस्ट किया है, इसलिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा रुपीज 15,000 इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू आएगी रुपीज 18,750। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। अ मैन बायस 420 rupees शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 4 rupees ईच एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, सेकेंड हिज टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर्स परसेंट, एंड थर्ड वन इज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज मनी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ हमको दी हुई है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं जो कि है 400, हमें नॉमिनल वैल्यू पता है कितनी है ₹20, मार्केट वैल्यू हम निकाल लेंगे कि कितनी है, और रेट ऑफ डिविडेंड भी हमें दिया हुआ है जो है 12%। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू कितने हैं 400, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू कितने हैं 20 rupees, तो ले मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, वन शेयर ₹20 + 4, क्योंकि क्या दिया हुआ है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4। ठीक है, तो ₹24, और क्या दिया हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है 12%। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ मैन, बाय द मैन, अमाउंट इन्वेस्टेड
नंबर ऑफ शेयर्स। भूल गए फॉर्मूला? देखिए लास्ट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, कितना हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 400। मार्केट वैल्यू कितनी है? 24। तो कैलकुलेट करें कितना आएगा, 24 फोर ज़ा 96,00। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द मैन इज़ रुपीज़ 9,600। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? सेकंड पार्ट क्या है? हिज टोटल इनकम फ्रॉम द शेयर्स। क्या होती है टोटल इनकम? टोटल इनकम क्या हुई? रुपीस कितना? नहीं पता, यहाँ से हम लोग देखेंगे ना, ये ऊपर कैलकुलेट नहीं किया है कि कितना नॉ वैल्यू उसने पैसा खर्च किया है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू 400 × 20 कितना होगा? 8,000। वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, 8,000 × तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना आएगा? 8,000 × रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? 12/100। तो 8 × 12 = 96,00। तो टोटल इनकम कितनी हुई उसकी? टोटल इनकम इक्वल टू रुपीस 960। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? परसेंटेज रिटर्न। परसेंटेज रिटर्न इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, याद है? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। तो इनकम कितनी हुई है? 960। इन्वेस्टमेंट कितना किया? कैलकुलेट किया आपने? यहाँ पे किया था ना कैलकुलेट, 9,600। 9,600 करने पे कितना आएगा? 10% रिटर्न, ठीक है। तो परसेंटेज रिटर्न इक्वल टू 10%, ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक सॉल्व कर लिया है आज, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लगाएंगे, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम लोग और वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।